रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। आखिर शाहरुख ने कटरीना से क्यों छीना उनका बेस्ट खान बताने का मौका। दीपिका, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर ने गुपचुप कहा की गेट टुगेदर। अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर किसके साथ कर रहे हैं फिल्म। आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहरुख खान से। शाहरुख, कटरीना और अनुष्का कल अपनी फिल्म जब तक है जान को प्रमोट करने पहुंचे, लेकिन यहां जैसे ही मीडिया ने कटरीना से उनके फेवरेट खान के बारे में पूछा तो शाहरुख को हो गई प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। तीनों खान के साथ काम कर रही है, सबसे बेटर कौन लगा आपको? No, can I just butt in? It's not a nice thing to ask, honestly. इंडस्ट्री के तीनों टॉप खान्स में कौन है बेटर टू वर्क विद? अपनी हीरोइन से पूछे हुए सवाल पर एक बार फिर बिटरनेस दिखा दी है किंग खान ने। तीनों खान के साथ काम कर रही हैं, सबसे बेटर कौन लगा आपको? It's not a nice thing to ask, honestly. हिस्ट्री हो गई है रिपीट, और एक बार फिर लगता है शाहरुख खान की वही इनसिक्योरिटी सबके सामने आ गई है जो वी आर फैमिली के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के दौरान नजर आई थी। उस वक्त इंडस्ट्री के तीनों टॉप खान्स के साथ काम करने का टैग कैरी कर रही थी करीना कपूर, जिन्होंने करण जौहर को दिए एक इंटरव्यू में आमिर खान को बता दिया था द गॉड ऑफ एक्टिंग, जिस पर शाहरुख खान ने करीना के लिए अपने दिल में आई कड़वाहट कुछ इस तरह दिखाई थी। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting. So I said Aamir. और अब करीना की सिचुएशन में पहुंच गई हैं कटरीना कैफ, जिन्होंने एक था टाइगर, जब तक है जान और धूम 3 के साथ इंडस्ट्री के तीनों टॉप खान्स के साथ फिल्म्स का टारगेट अचीव किया है, तो उनसे ये क्वेश्चन तो बनता ही था। उस पर किंग खान खुद चाह रहे थे कि मीडिया पूछे कुछ और सवाल। Now let them ask a few questions here. कटरीना, मेरा सवाल आपसे है, आप तीनों खान के साथ काम कर रही हैं, शाहरुख के साथ चुका है, अभी सलमान के साथ भी, अब आमिर खान के साथ, तो सबसे बेटर कौन लगा आपको? लेकिन इससे पहले कि कटरीना आमिर, सलमान और शाहरुख में से चुनती अपना सबसे फेवरेट एक खान, किंग खान ने संभाल ली कमान और ऐसी किसी सिचुएशन को ही अवॉइड कर दिया जिससे उनके लिए पहले जैसी कोई मुश्किल खड़ी होती। No, can I just butt in? It's not a nice thing to ask, honestly. You know, for whatever reason, it's not a nice thing to ask. You know, we all work with co-actors. If you put me here and say, is it better to work with that actress or this actress, it kind of belittles everything. And it's a difficult question to kind of address without creating some kind of a nonsense to it, sir. लेकिन शाहरुख ये भूल गए कि इन्हीं nonsense tricks में फंसकर उन्होंने कभी करीना की जमकर क्लास ली थी। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting. So I said Aamir. कटरीना को इतनी भी छूट नहीं दी कि वो कह पाती अपने दिल की बात, ठीक वैसे ही जैसे करीना को कम से कम अपनी बात कहने का मौका देते आए हैं सलमान खान। हाँ, ये बात जरूर है कि सलमान ने भी करीना की सभी खान से गुडविल रखने की विल को वक्त आने पर एक्सपोज करने का मौका नहीं छोड़ा। करीना कैसी हैं? अब जैसे आपने पूछा 2-3 खान के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हूज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना, और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। पहले करीना की तरह कटरीना को बोलने तो दिया होता किंग खान ने, फिर लेग पुलिंग समझ में भी आती, पर जब तक है जहाँ के इस प्रमोशनल इवेंट पर पहुँचे किंग खान तो आते ही खुद बन गए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी सॉफ्ट स्किन, तेरी खूबसूरत आंखें, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। इस बार इसलिए दो दो बार बोलता हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान। You are the best in terms of romance. Absolutely, there's nobody who can romance like you. There's nobody. You can ask all the girls, all around the world. The women know my name. They call me Sexo Man. Anushka, do you believe that? Physically, I think I like her eyes a lot. They're extremely beautiful, and I like her smile a lot. And Katrina, मैं तेरे पास भी आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। I have till tomorrow. Okay. And okay. ये हो गया, अनुष्का हो गया।
मैं तुम्हें बता दूं यार, दो लड़कियों को साथ साथ रखना पड़ा है। किंग खान के नोन सेंस ऑफ ह्यूमर के इस इवेंट पर जमकर बौछार हुई। लव अबाउट शाहरुख, आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर, आई थिंक इट स्मेल्स रियली गुड। ओके, यू गाइस शुड जस्ट कम एंड लाइक टेक अ स्निफ, ही इज सुपर्ब। या एक्चुअली ही डज स्मेल ओके। यानी किंग खान ने सबको खूब एंटरटेन भी किया, पर अपनी कोस्टार्स के सामने किसी दूसरे खान के जिक्र का जोखिम बिल्कुल भी नहीं लिया। तीनों खान के साथ काम कर रही हैं, सबसे बेटर कौन लगा आपको? Can I just butt in? It's not a nice thing to ask, honestly. यानी तीनों टॉप खान्स के साथ काम कर चुकी करीना वाली हिस्ट्री रिपीट तो हुई, पर हिस्ट्री से लिए हुए सबक और उनके नॉलेज ने किंग खान को बचा लिया। I did economics very well. I did mass communication rather well and sciences, and I don't know if I've learned acting well. I still want to see these certificates. I've got them. They're on the net. I'm very educated. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. मुंबई में थी फिल्म लव शफ्ते चिकन खुराना की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड के कई टॉप एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स पहुंचे। वेल, इस इवेंट में क्या कुछ हुआ खास, चलिए जानते हैं। लव शफ्ते चिकन खुराना की स्क्रीनिंग हुई एंड स्क्रीनिंग में पहुंचे ढेर सारे सितारे। रणबीर कपूर, करण जौहर, फ्रेशली मिंटेड स्टार्स लाइक आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड मेनी मेनी मोर। हैव अ लुक। This film is releasing this Friday and the makers of this film are so confident कि अभी से ही उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, ताकि word of mouth इस फिल्म के लिए काफी strong रहे। Sameer, the director, actually is a very close family friend of mine. He was the first guy to narrate a script to me actually just before Saavre. उन्होंने मुझे एक script सुनाई थी, जुगलबंदी का नाम था। हमारा पुराना कनेक्शन है, so I'm really looking forward to it. I hope that people come and see this film. I'm expecting to love it. In fact, Sameer Sharma जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। ये कम लोग जानते हैं कि दिलवाले दुल्हनें ले जाएंगे में दो असिस्टेंट्स थे, समीर शर्मा और मैं, और उदय चोपड़ा थे। तो मैं 15-20 सालों से जानता हूँ समीर को। मैंने सुना है और पढ़ा है कि फिल्म बहुत अच्छी तरह बनी है। आई वांट टू विश समीर ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने बनाई है। मैं समीर को बहुत सालों से जानती हूँ और मेरे फ्रेंड कुणाल इसमें एक्ट कर रहे हैं और अनुराग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा यू नो एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से इस माहौल में नहीं आई है, मतलब इस टाइम में नहीं आई है। एक्चुअली आई हैव हर्ड इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नॉट ओनली कुशानू इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट बिकॉज इवन माय ब्रदर लॉज इन मूवी, पूजा हस्बैंड मुन्ना, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई हैव हर्ड ही हैज अ फैंटास्टिक रोल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम फन, लाइक फन राइड। Film ke director looks like is very popular amongst the filmy mass. No wonder every possible celebrity is excited to see his directorial debut venture. Yes, I've seen the promo and it's very funny. I'm really looking forward to seeing the film. All in all, this was one starry evening. Itne celebrities ko ek saath kisi ek screening mein dekhna bahut kam hota hai, aur wo bhi agar film mein koi superstar na ho tab. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक लेट नाइट डिनर पर गए और उसके बाद अपने एक बेस्ट बडी के फ्लैट में, लेकिन जैसे ही आप इस बेस्ट बडी का नाम सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। दीपिका पादुकोण जब से सिद्धार्थ मालिया से दूर हुई हैं, तब से उनके लिंकअप की खबरें मीडिया में काफी गर्म हैं, और उनका लेटेस्ट लिंकअप किया जा रहा है बैंड बाजा बारात बॉय रणवीर सिंह के साथ। हालांकि रणवीर सिंह इसे प्रोफेशनल फ्रेंडशिप मानते हैं, क्योंकि फिल्म रामलीला में वो दीपिका पादुकोण के साथ हैं। ऐसे में को स्टार्स का एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। लेकिन जूम के पास है एक खास अपडेट, जरा गौर से सुनिए। सोर्सेस ने रिवील किया है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली एक दूसरे के साथ डिनर किया और उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के फ्लैट में गए टू हैव सम लेट नाइट गपशप। लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे वो फ्रेंड कौन थे? वो फ्रेंड थे ये। Yes, that's right, रणबीर कपूर। दीपिका रणवीर सिंह के साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के फ्लैट में गई। Well, दीपिका के इस एक्ट की वजह क्या थी इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इस खबर से इतना तो पक्का हो गया है कि रणबीर कपूर को दीपिका और रणवीर सिंह की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर भी अब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं। किस हीरोइन के साथ? लेट्स चेक आउट इन दिस रिपोर्ट।
कटरीना कैफ के सिस्टर ईसाबेल के साथ होंगे अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर। जी हाँ, मीडिया के रूमर्स की माने तो अनिल कपूर भी अपने बेटे हर्ष कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं और इसके लिए वो खुद फिल्म प्रोड्यूस भी करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि इस फिल्म में हर्ष कपूर के ऑपोजिट कटरीना कैफ की सिस्टर ईसाबेल होंगी। वेल, फिल्म के बारे में अभी ज्यादा डिटेल तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर के साथ कटरीना की सिस्टर ईसाबेल की जोड़ी काफी अट्रैक्टिव होगी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। रणवीर शौर्य और कोंकणा सेन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि रूमर्स आए हैं कि दोनों अब अपना घर भी सेल करना चाहते हैं। रणवीर शौर्य और कोंकणा सेन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये खबरें तो मीडिया में काफी वक्त से उड़ रही थीं, लेकिन अब इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में एक और खबर उड़ रही है। रूमर हैज इट दैट रणवीर शौर्य एंड कोंकणा सेन शर्मा हैव पुट अप देयर हाउस फॉर सेल। जी हाँ, मीडिया के गॉसिप बाजार में ये बात गर्म है कि रणवीर शौर्य और कोंकणा अब साथ नहीं रहते हैं और जिस घर में वो साथ रहते थे उसे अब बेचने जा रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि रूमर्स ऑफ देयर ड्रिफ्टिंग अपार्ट स्टार्टेड व्हेन दे वर स्पॉटेड अटेंडिंग अ सेम स्क्रीनिंग बट सेपरेटली। वैसे कोंकणा और रणवीर का एक बेबी भी है और कुछ वक्त पहले दोनों के डिवोर्स तक की खबरें आई थी, लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस खबर पर ना तो रणवीर शौर्य और ना ही कोंकणा सेन की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन आया है। लेकिन जिस तरह से बार बार कुछ न कुछ रूमर्स आ रहे हैं उससे इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल बिटवीन द टू। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अर्जुन रामपाल का हॉट फोटोशूट। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है राखी सावंत, जो बॉलीवुड की क्लास लेने के साथ साथ दे रही हैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी। टेक अ लुक। ये हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां और ये अनारकली, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन है, तो चेहरा देख लीजिए, ये है राखी सावंत। हाय राखी, वेलकम टू ज़ू। हाय हाय चेतना, हाउ आर यू। अनारकली डिस्को चली? नहीं, मैं डिस्को नहीं जा रही हूँ, मैं पीपल्स अवार्ड चॉइस अवार्ड में मैं यहाँ पे हूँ और बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। अच्छा, आप काफ़ी अलग लग रही हैं, पहले हम मिलते थे तो आप ऐसी नहीं दिखती राखी। जी बिल्कुल, आजकल आई लव टू वेयर सलवार कमीज और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं अपनी इमेज चेंज कर रही हूँ, तो अब मैं आपको जहाँ पे भी दिखूँगी वहाँ पे आपको सलवार कमीज, साड़ीज, इन सब चीज़ों में दिखूँगी। आज इस फंक्शन में आप क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फेवरेट सीरियल्स है लाइक बालिका वधू, बहुत पसंद है मुझे सीरियल, मैं चाहती हूँ कि उसे अवार्ड मिले मिले। ये बताइए, सैफ और करीना पहली बार परफॉर्म करने वाले शादी के बाद, आप कितनी एक्साइटेड? माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आफ्टर मैरिज करीना को देखने के लिए कि कैसी लग रही है, कितना ग्लो कर रही है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। यस, सजेशन देना चाहेंगे आप एस्ट्रोलॉजी? 2013 ऑनवर्ड्स आप राखी का नाम एक डिफरेंट लेवल पे देखेंगे। राखी, क्या होने वाला है धमाका? मैं चांद पे घर लूंगी, चांद पे बंगलो बनाऊंगी, यही होने वाला है। मीडिया इनवाइटेड होगी या नहीं उस चांद वाले? मीडिया तो मैं मीडिया मेरा आखिरी दिन होगा वहाँ पे भी मीडिया होगी, मैं मर रही हूँ भाई, जितना कोई हो ना हो आप और जूम जरूर रहेंगे। थैंक यू सो मच, हम अभी से इंतजार करेंगे आपके इनविटेशन। वेल, टबू और इरफान खान हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई में काम कर रहे हैं और ये पहली बार है कि फिल्म के डायरेक्टर ने प्रमोशन भी इंडिया से ही शुरू किया है। One movie I saw, she played a woman cop. It is a crazy movie. She's running around in the shopping mall. That's where I made all my money. अकेडमी अवार्ड विनर एंग ली पहली बार इंडिया आए और आते ही अपनी फिल्म लाइफ ऑफ पाई के थ्रू काफी हलचल मचा दी। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर एंग ली की ये ऐसी पहली इंडियन फिल्म है जिसका बैकड्रॉप इंडिया है और इंडियन एक्टर्स ने ही लीड रोल प्ले किया है। इरफान खान और टबू इस फिल्म में नजर आएंगे। It's an honor to have worked with you, Ang. I'm a huge Crouching Tiger, Hidden Dragon fan, amongst all the other great films that you've made. And I'm happy and I'm honored that a story about India and about an Indian family has been told. और एंग ली के साथ फिल्म में काम करने का मौका तो हर कोई चाहेगा, लेकिन एंग ली के लिए इंडियन क्रू के साथ काम करना और इंडिया में काम करना काफी अनोखा एक्सपीरियंस रहा। That's my 3-week shooting in Pondicherry and Munnar. A lot of the crew come from here and from Chennai, and it's the most
heartwarming. They're very warm, very friendly. Unlike Chinese crew, they keep a distance and respect a distance from you. They're like very, very warm. Life of Pi पहली हॉलीवुड फिल्म होगी जिसकी प्रमोशनल एक्टिविटी इंडिया से शुरू हुई है. 23 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म काफी एक्साइटमेंट पैदा कर चुकी है. अब देखना ये है कि एंग ली जैसे अकेडमी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ने इंडिया को किस रूप में दर्शाया है. फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्लीन एंड क्लियर हैदराबाद टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले. रिसेंटली हैदराबाद में हुआ क्लीन एंड क्लियर हैदराबाद टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जिसकी फुल डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस रिपोर्ट में. कोलकाता में ग्रैंड फिनाले के बाद अब क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस पहुंचा हैदराबाद, जहां हुआ क्लीन एंड क्लियर हैदराबाद टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले. और इस फिनाले के लिए भी यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, वेयर दे शोकेस्ड देयर टैलेंट. कुछ ने स्टेज पर सजाए सुर और ताल, तो कई और यंगस्टर्स ने किया रैंप वॉक. और कुछ डांस परफॉर्मेंसेस भी हुए, एंड देयर परफॉर्मेंसेस वर वर्थ वॉचिंग. आफ्टर द परफॉर्मेंसेस द शो केम टू एन एंड, वेयर द जजेस रिवॉर्डेड द बेस्ट विद द विनर ट्रॉफी. वासी गॉट द क्लीन एंड क्लियर हैदराबाद टाइम्स फ्रेश फेस टाइटल इन बॉयज, व्हेयरएज इन गर्ल्स अशिता गॉट अवॉर्डेड विद द ट्रॉफी. The winners shared their excitement after winning the coveted trophy. Winning and losing is a matter of fact. For me, it was to give my best, and I have done that. Now that I am the winner, I would like to thank my friends, I would like to thank the jury, and the most, my lucky charm, the anchor. Which feels amazing. The competition was quite tough. Everybody was amazing, and the judges were really, really generous to give us so many points. But it was an amazing experience. And with this, the beautiful evening came to a lovely end. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.